हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अपनी एक जनसभा में एक बयान दिया था। हमारे साथ हुआ है, चार सरकारों ने अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ, बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। आजम खान के इसी बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। आजम खान पर आईपीसी की धारा 394B, 354A, 353A, 505, 504, 509, 125 पे मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब आजम खान के बयानों पर मुकदमा दर्ज हुआ हो। गौरतलब है कि आजम पर करीब 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे सभी मामलों में लगातार सुनवाई चल रही है। जबकि भड़काऊ भाषण के एक मामले में आजम खान को 3 साल की सजा भी हो चुकी है और इसी मामले में उनकी विधायकी तक रद्द हो चुकी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके बयानों से अब महिलाओं में आक्रोश है। शहर की एक मुस्लिम महिला ने थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आजम खान के बयान को विवादित बताया है। हमें इनका भाषण बहुत बुरा लगा। किसका? किसका? मोहम्मद आजम खान का। क्या भाषण दिया था? उन्होंने भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हुए तो हमसे पूछ के कर दे, ये बताइए। फिर क्या हुआ? तो ये बात इनको करना अच्छी लाजिम देती है। इन्होंने हमेशा औरतों के बारे में बुरा ही बुरा कहा, कभी अच्छा नहीं कहा। जिन्होंने जितवाया सबने, ये एक दिन ऐसा था कि इनके पास इतने हालात नहीं थे, ये कहीं खड़े होते। पब्लिक ने इनको जितवाया मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तकलीफ हुई औरतों? अच्छा। और सभी औरतें एक ही जैसी हैं, सभी हैं, मेरी माँ बहनें हैं, सब हैं, अपनी अजीज मोहल्लेदार सब अपनी हैं, सबको बोलना है तो ये मतलब गंदी बात है नहीं है, ये बोलना चाहिए उनको। थाने आई हैं आप? हाँ, मैं थाने आई हूँ रिपोर्ट कराने। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। 29 तारीख को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। उनका कहना ये था कि आजम खान जी ने ये कहा है, अगर मैं पिछली 4 सरकार में मंत्री रहा हूँ और यदि मैं इस तरह से मैं अपना पावर का यूज करता तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खान से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, सहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है।